हेलो दोस्तों, मैं संदीप पटेल बोल रहा हूँ। आप हमारा चैनल पीसी मोटर्स देख रहे हैं। आज हम वीडियो में दिखाएंगे कैसे फिटिंग करें फोर सॉकेट वाल्व, जिसका पार्ट नंबर है 3x65। और इसे हम खोले हैं, इसे प्रॉब्लम था, हवा लीक था। इसका प्लेट जो रबड़ का ऊपर का होता है वो फटा था। अब इसे हम इस अच्छा तरह सफ़ा करके इसको कैसे फिटिंग किया जाएगा, तो बहुत आसान तरीका है फिटिंग करने के लिए, बहुत ईजी है। कोई भी फिटिंग कर सकता है हमारा वीडियो देख कर और खोल कर। खाली उसे पता चलना चाहिए काम क्या करता है, और काम ये करता है कि ये टंकी का जो हवा टंकी में ही रहने देता है। बाई चांस कोई पाइप फट गया गाड़ी में तो ये हवा मैंने पूरा डाउन नहीं होगा, एक टंकी का ही डाउन होगा और हवा रह जाएगा गाड़ी में। इससे ब्रेक भी पकड़ता है। बहुत लोग होते इसे निकाल देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसे डायरेक्ट नहीं करना चाहिए गाड़ी में। ये ज़रूरी है गाड़ी में रहना। और जो कि जो छिकनी 3x84 रहता है उसमें तो यार डेयर के साथ में रहता है, और जो सिंगल एयर टायर रहता है उसमें नहीं रहता है, ये अलग से दिया रहता है। आपको टंकी के पास दिया रहेगा, टंकी के साइड में कहीं भी दिया रहता है, सभी गाड़ियों में दिया है जिसमें सिंगल एयर ड्राइव है। और देखिए दो वाल है इसका, और इसमें स्प्रिंग दो लगा हुआ है, उसका पैकिंग है। और ग्रीस से देखिए पैकिंग को बिठा दिया जाएगा। और देखिए बहुत आसान है फिटिंग का। और देखिए पैकिंग बैठ गया, अब इसे लगा देते हैं। ठीक, अब आराम से बैठा के इसको, हाँ ये देखिए, अब इसमें 3 बोल्ट है, उसको हम टाइट कर देंगे फटाफट। 3 बोल्ट टाइट करके फिर पीछे अब इधर का हम 4 वाल लगाकर और प्लेट लगा देते हैं। और बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 स्प्रिंग, 4 वाल है और एक कवर है, और उसका फिर बड़ा स्प्रिंग लगा के इसका सेंटर मिलाया जाता है। एक साइड छोटा एक साइड बड़ा होता है। और देखिए चार स्प्रिंग है और टोपी है साथ में, और उसमें एग्जिस्टिंग बोल्ट भी है टोपी के ऊपर में। मंदिर जैसा रहता है दिखने में। देखिए सब इस तरह आस्ते आस्ते सेटिंग कर दे, टोपी लगा दी ऊपर में, और इसको कवर को बिठा कर हम बोल्ट को फंसा दें। इसके एग्जिस्टिंग से छेड़छाड़ ना करें, सब सेटिंग किया हुआ रहता है, कितना पॉइंट कहाँ हुआ जाए उसी हिसाब से सेटिंग है ये। जिधर से खोले वैसे ही लगाएं, क्योंकि इसे एडजस्टिंग करना पड़ जाता है मशीन में चढ़ाकर, कितना पॉइंट हवा चाहिए, किधर कौन सा हवा किधर चलना चाहिए। इसमें चारों साइड से हवा जाता है। 4 बोल्ट टाइट करके इसको टोपी भी चेंज करना है। ऊपर का 4 टोपी लगा दें। दबा के टाइट करें जोर से आस्ते आस्ते, आराम से टाइट हो जा रहा है। ये देखिए चारों साइड बैठ गया है बोल्ट। अब इसे हम फटाफट टाइट कर देते हैं। इसे हम फुल टाइट करके और चारों बराबर टाइट करना पड़ता है आस्ते आस्ते मिलाकर। और जैसा कि मैंने किट बताया, इसका 3x65 नंबर किट है। और ये देखिए अभी रेडी हो गया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।